जब हम बात करते हैं घाट की, बनारस की घाटों की, तो ऑफ कोर्स दशाश्वमेध और अस्सी बहुत ही ज्यादा मेजर घाट हैं, बट अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट घाट पूरे बनारस में कोई है और सबसे ज्यादा पुराना घाट भी एक्चुअली बनारस में कोई है, तो वो है मणिकर्णिका घाट। एक ऐसा घाट जहाँ की एनर्जीज सबसे ज़्यादा डिफरेंट हैं और मैजिकल हैं, और इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे एक्चुअली में डेड बॉडीज जलाई जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक अलग इन्वायरमेंट है, स्पेशली बिकॉज क्रीमेशन ग्राउंड है, शमशान है, तो शमशान की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं रादर देन यूजुअल घाट। और मणिकर्णिका घाट जो है उस पर 24 घंटे 365 डेज बॉडी बर्न होती हैं। मणिकर्णिका घाट की अगर हम लोग बात करें तो मणिकर्णिका बेसिकली उसका जो मतलब है, मणि मतलब बेसिकली एक ज्वेल और कर्ण का मतलब कानों के कुंडल, उस पे नाम आधारित है मणिकर्णिका। और इसके पीछे एक कहानी है, ये माना जाता है कि पुराने समय में ब्रह्मा के सबसे बड़े जो बेटे हैं उन्होंने महादेव शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ में कंपटीशन किया था, जिसकी वजह से माता सती जो है वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी, और उन्होंने अपना प्राण, अपना शरीर त्यागने के लिए का प्रण लिया था। और इस चीज को देख के महादेव जो है काफी उदास हो गए थे, तो ये माना जाता है कि वहां से माता सती को उठा के महादेव हिमालय पर्वत पे जब ले जा रहे थे, उनकी एक आंख जो है मणिकर्णिका पे गिर गई थी। और मणिकर्णिका घाट जो है वो इतना पुराना है कि 5th सेंचुरी के गुप्ता स्क्रिप्चर्स में उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा, और सबसे पुराना घाट है मणिकर्णिका घाट, और इससे ज़्यादा पुराना कोई घाट नहीं है। एंड आई थिंक द वन ऑफ द मेजर थिंग्स अबाउट दिस घाट इज़ बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेड बॉडी और लाइफ फॉर्म जो रिलीज होती है वो एक साथ होती है, और सबसे ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज अगर कहीं हैं तो वो मणिकर्णिका घाट पे है बनारस में। और एक बहुत ही अलग दुनिया है, आप पूरे घाट पे अगर वॉक ले रहे हो और एकदम से जब आप मणिकर्णिका घाट एंटर करते हो तो पूरा एक डायमेंशन जो है उस जगह का बदल जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप जो है बनारस में हो। थोड़ी अलग एक एनर्जी है, थोड़ी अलग एक डायमेंशन है, एक इतना ज़्यादा डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है, बिकॉज वो एक क्रिमेशन ग्राउंड है कि आप डेड बॉडीज जो है बस ऐसे ही बर्न होते हो देख रहे होते हो। और आई थिंक ये एक ऐसा घाट है जहाँ पे विदाउट किसी को डिस्टर्ब करे हुए आप बस जाके देख सकते हो, पीसफुल रह सकते हो, और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, तो उस टाइप की एनर्जी गैदर करने में, समझने में समय भी थोड़ा लगता है। और मेरी पर्सनल एडवाइस एक ये रहेगी कि बिकॉज मणिकर्णिका जो है एक क्रिमेशन ग्राउंड है, एक शमशान है, तो ऐसी जगहों पे काफ़ी बार आपको कुछ साधु मिलेंगे जो मेडिटेट कर रहे हैं और जो साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे इन साधुओं को ना डिस्टर्ब किया जाए और उनको रोका टोका ना जाए, बिकॉज क्रिमेशन ग्राउंड पे काफ़ी तंत्र एक्टिविटीज होती हैं, काफ़ी ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो तंत्र पार्टिसिपेशन में आते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल इन नॉर्मल लाइफ। तो ऐसी जगहों पे जहाँ हम लोग जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान भी रहना है कि हम लोग कुछ इधर उधर बाय मिस्टेक जस्ट टूरिस्ट की तरह घूमते हुए कुछ गलती ना कर दें, और हम लोग किसी को पोक ना कर दें उस जगह पे, किसी को डिस्टर्ब ना कर दें, बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा प्योर ग्राउंड माना जाता है मणिकर्णिका घाट जो है, और इस पे हम अगर कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें तो ज़्यादा अच्छा है। मणिकर्णिका घाट के अलावा अगर कोई ऐसा घाट है जिस पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं तो वो है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट जो है वो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर पड़ा था, जिन्होंने अपनी पूरी किंगडम छोड़ने के बाद शमशान में डेड बॉडीज जलाने के लिए एज अ वर्कर वहां पे वो काम करते थे, और इसी वजह से उस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा, जो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे सच ट्रूथ एक्चुअली में प्रिजर्व करना चाहते थे। इसके अलावा काफ़ी सारे घाट हैं जो आप विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, दरभंगा है, राजघाट है, पर ये घाट जो है सबसे ज़्यादा मेन घाट है अगर आप बनारस आ रहे हो। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट जो है, ये चार मेन घाट है
जो आपको विजिट करने ही चाहिए अगर आप बनारस आए हो, तो ये चार घाट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट घाट्स है। और हर घाट का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, अपनी एक अलग एनर्जीज हैं, अपना एक अलग डायमेंशन है जो दूसरा घाट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कौन से घाट पे आपको कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ का एक्सपीरियंस जो है टोटली डिफरेंट था और मुझे हर एक चीज़ पसंद आई। और ये है स्टोरी बनारस के घाट की और कैसे उसके पास लाइफ रिवॉल्व होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आऊँगा और आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दूंगा बनारस के बारे में। पर तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना। तो सी यू टुमारो इन अ न्यू ब्लॉग, न्यू डे एंड अ न्यू जर्नी।